आपसे पहले वाला अब बिल्कुल पहले जो है ये खत्म हो गया, वो अभी वर्ड उस पर नोट पैड पे कौन उसको मिला नहीं अभी तक, हाँ मुझे पता नहीं, उनका प्रोजेक्ट अगर जमा हो गया तो मिल गया, प्रोजेक्ट उनका रहता था ना, प्रोजेक्ट के बाद मिलेगा, कर दिया था, हाँ मालूम कर लेना, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स थी ना तो उसको वापस कहा गया होगा बनाने के लिए, इसलिए ठीक है ऐसे ही लिखा है मैंने, ऊपर ए प्रिंट कराया नीचे भी दो दफा फाइनल, थोड़ा सा इसको और कर लेता ताकि नजर आ जाए, इसको मैं माइनस भी कर दूँ, नजर आए तो अभी आउटपुट नजर नहीं आ रहा, अब देखो माइनस भी से नजर आ रहा है, एक दफा ए दो दफा बी फिर एक दफा ए फिर दो दफा बी फिर एक दफा ए, सही इसका आई की वैल्यू चेंज हो रही है, मैं ए की जगह आई को प्रिंट करा, 0 1 2 3 4 सही है, और जे की वैल्यू चेंज हो रही होगी यहां पर इस तरह से, ठीक है इसको थोड़ा इस तरह लिख देता हूं ताकि नजर आ जाए, समझ आया आपको क्या आई चल रहा है 0 1 2 3 4, ये एक दफा चला 0 1 फिर 0 1 हो गया फिर 0 1 हो गया फिर 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इसको 10 टाइम्स कर दूं तो ये फिर इस तरह आ जाएगा, सही है, तो ये लूप्स इस तरह चलेंगे, इन केस में यहां पे आई प्रिंट कर देता हूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्यों नहीं इसको अंदर कर सकते हैं बाहर नहीं कर सकते, एरर नहीं आएगा, हाँ मतलब ये लूप अंदर है ना तो अंदर कर सकते, ये लूप बाहर होता फिर नहीं कर सकते, आई की वैल्यू क्या है जे नहीं करवा, आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, देखो इस तरह प्रिंट करेगा, क्यों 0 टाइम चला इसके अंदर आया, इसके अंदर आई की वैल्यू क्या है 0 ही अभी 0 0 0 0, फिर 1 आया आई की वैल्यू 1 है 1 1 1 इस तरह से, सही है सर, मतलब वो लूप वाली जो कंडीशन है दूसरी, हाँ वो अपना काम करेगी, वो काम करेगी लेकिन वो सिर्फ लूप चलाने का काम करेगी, हम प्रिंट नहीं करा रहे, लूप तो चला रही है, सही समझ गए, अब इसको हम चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ से प्रिंटिंग हटा रहा हूँ, इसको नीचे ले आते हैं, इसको कर रहा हूं मैं 10, इसको कर रहा हूं 5, हम यह कर रहे हैं प्रिंट हेलो, सही ये 50 टाइम्स हेलो कर दे, उसमें चेंजिंग में क्या कर रहा हूं कि प्रिंट एलिंग की जगह मैं लिख रहा हूं प्रिंट, सही हेलो और स्पेस, तो ये प्रिंट करेगा एक लाइन, पहले इस तरह करा था इस तरह करेगा, चाहिए सर ये प्रोडक्टिविटी कैसे करूं, हां 10 टाइम्स वो चल रहा है 5 टाइम्स ये चल रहा है, ईच फर्स्ट टाइम चलेगा ये 5 टाइम चलेगा, सेकंड टाइम चलेगा फिर ये 5 टाइम चलेगा, मतलब जब तक नीचे वाला पूरा नहीं हो जाता ये बार-बार चलता रहेगा, बार-बार चलता रहेगा, 10 टाइम्स वो चलेगा नीचे वाला, ईच 10 में 5 टाइम्स चलेगा, एक ही बार 5 बार चलेगा, हां हर बार-बार में 5 बार चलेगा, चाहिए अब ये प्रिंट कर रहा है ऐसे लाइन में, अब मैं कह रहा हूं इसमें इस तरह कर दो, 5 बार हेलो प्रिंट करो बाहर आएगा एम्प्टी लाइन, फिर ऊपर जाओ 5 बार हेलो प्रिंट करो बाहर आओ एम्प्टी लाइन,
पांच बार किया फिर नीचे आ गया, पांच बार किया फिर नीचे आ गया, समझ आई? पचास बार, पांच पांच बार चल रहा है, दस बार ऐसे चल रहा है, सही है? अच्छा अब इसमें मैं देखो, मैं इसको चला रहा हूं कितनी बार, पांच बार। अब यहां पे मैं पांच की जगह पे दे देता हूं चार, कितनी बार चलेगा? हाँ मतलब टोटल चालीस, लेकिन अंदर वाला चार बार, अंदर वाला अवे टू, अब कितनी बार चलेगा? अंदर वाला सर, अंदर वाला, अंदर वाला दो बार, अंदर वाला है ना दो बार, तो ये वैल्यू जो दे रहा हूं तीन टाइम चल रहा है। तो अगर मैं इसको लिख दूं आई, तो अब कितने टाइम चलेगा ये? अब देखो ये अंदर वाला कितनी बार चलेगा, जब लूप पहली बार ये वाला चलेगा तो आई की वैल्यू होगी जीरो, तो अंदर वाला नहीं चलेगा, जीरो टाइम, वन होगी एक बार चलेगा, टू होगी फिर ये दो बार चलेगा, थ्री होगी ये तीन बार, जितनी बार आई है उतनी बार चलेगा, तो ये लूप अंदर वाला बढ़ता जाएगा। तो अब आउटपुट ऐसा है, ठीक है, पहली बार एम्प्टी आया जीरो टाइम, अगर आई को हम वन से स्टार्ट कर देते और इसको इक्वल टू टेन कर देता हूँ, अब ये पहली बार में चलेगा ना, एम्प्टी नहीं आएगा, सही है, समझ आया? ये अब टोटल हो गया फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस ऐसे करके लगा लो, ठीक है, टेन प्लस नाइन प्लस एट, कर सकते हैं कैलकुलेशन, सारी हो सकती है इसमें नंबर्स पर, ठीक है। अब यहाँ हेलो की जगह पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ ए, तो यहाँ ए प्रिंट हो गया, या मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पे स्टेरिक, तो यहाँ पे ये स्टेरिक शेप में आ गई, सही है, सही। ये पूरा आपका सिंगल लूप चल रहा है, दो लूप है, सिंगल काउंट नेस्टेड लूप है, सही। तो नेस्टेड लूप में हम इस तरह प्रिंटिंग करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे काम, अगर लूप के अंदर है तो, अगर दो लूप अलग अलग है, जैसे मिसाल के तौर पर नीचे लिख रहा हूं मैं कि भाई ये पूरा एक लूप है, ये लूप लिखा हुआ है, और मैं ये लूप लगा रहा हूं एक और, ये दो अलग अलग होगा, अगर ये वाला इसके अंदर होता फिर ये नेस्टेड कहलाता, अंदर लूप है तो नेस्टेड कहेंगे, नेस्टेड का मतलब उसके अंदर, सही है? नहीं, पहले शुरू में आती थी जावा जब स्टार्ट हुई थी 255, लेकिन अब लिमिट नहीं है, जितने आप चाहो नेस्टेड, इफ एल्स, अगर इफ इफ के अंदर इफ है तो फिर नेस्टेड इफ कहलाता है, बिल्कुल। अगर इफ की कंडीशन के अंदर लिख रहे हो, अगर आप इस तरह कर रहे हो, इफ कंडीशन है ये पूरी, और नीचे else if कर रहे हो इस तरह, ये नेस्टेड नहीं, ये मल्टीपल इफ है, ठीक है। हमें इसके अंदर यहां पे एक और इफ स्टार्ट कर दूं अलग से, ये नेस्टेड इफ, नहीं इसकी भी अनलिमिटेड है, पहले होती थी 255 दोनों की, अनलिमिटेड, अब जितनी बार चाहे दे सकते हो। तो ये आपका स्टेरिक इस तरह करना, अगर मैं इस लूप को इस तरह प्रिंट करूं कि 10 टाइम्स वो और 10 टाइम्स ये, तो अब ये प्रिंटिंग करेगा इस तरह से 10 10, सही, जैसे हेलो प्रिंट हो रहा था। अगर मैं यूजर से इनपुट ले लूँ, इंटीजर ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, इनपुट लिखता था ऊपर, एंटर साइज,
ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये ए में आया ना, यूजर ने एंटर किया है, अब ये 10 टाइम्स नहीं चले, उतने टाइम चले जो यूजर ने एंटर किए ए, राइट, 10 की जगह बदल गया, यूजर ने दिया 5, तो ये 5 बाय 5, 10 10 बाय 10, 20 20 बाय 20। तो एक प्रोग्राम अक्सर होता है कि भाई इतने बाय इतने का बॉक्स करो, 2 बाय 2 का बॉक्स प्रिंट करे, इतने का, तो इस तरह हो सकता है, सही है। तो नेस्टेड लूप इस तरह काम आ सकता है हमारे डिजाइनिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीजें से काम हो सकता है। डिजाइनिंग तो वैसे ही अपनी प्रैक्टिस के लिए करते हैं, डिजाइनिंग के लिए बेसिकली आगे जाके जब हम एरेज पढ़ेंगे, कलेक्शन पढ़ेंगे, वहां पर नेस्टेड बहुत काम आएगा हमारे, सही है। तो सिंपल ये नेस्टेड लूप है। अब इसमें जो एस्टेरिस्क प्रिंट कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ 10 times और ये वाला i times, और नीचे प्रिंट आएगा। तो ये हाँ, मैं 5 मिनट लेट स्टार्ट किया, 7-10 बजे स्टार्ट किया, सकती हो गई सकती हो गई ये वाकई अब इसमें ये हमने एस्टेरिस्क प्रिंट किए, एस्टेरिक की जगह पे अगर मैं कोई और प्रिंट करता हूँ, ए प्रिंट करता हूँ, तो ए आ जाएगा। या अगर मैं इसमें जे प्रिंट कर दूं, जे की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो ये इस तरह आ जाएगा, सही है। अगर आई प्रिंट कर दूं, तो आई की वैल्यू सेम रह रही है, 1 2 2 3 3 4 4, स्पेस कर सकते हैं, इसमें ये स्पेस दे दे और ये कर दे ए। अब देखें किस तरह हो गई, सही। जो हमारी डिजाइनिंग टेक्निक है, लॉजिक के ऊपर है, जिस तरह हम देना चाहें, सही है। अब इसमें हम वही कर रहे हैं, वापस स्टैटिक वाला मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टैटिक स्प्रेड कर रहा है इस तरह। अब आप मुझे इसका ऐसे करके देखो, कैसे ऐसे वाले ब्लॉक्स, ऐसे वैसे ऐसे, मतलब ऐसे कैसे, जैसे मैं बताया था मैंने किया इस तरह से, ठीक है। आप मुझे इस तरह करके दिखाओ अभी पेपर, ठीक है, अभी पेपर पर, हाँ इसको देख लो, मतलब ये सामने शॉप कर दो।